हेलो नमस्कार, प्रधान कुमार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों का मुद्दा कांतिलाल भूलिया ने विधानसभा में उठाया और अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात की। इनने बोला सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है लेकिन अतिथि शिक्षकों को नियमितकरण नहीं किया जा रहा, उनके साथ धोखा किया जा रहा। आश्वासन देने के बाद भी, घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद भी अतिथि शिक्षकों का नियमितकरण नहीं किया जा रहा, उनके साथ वादा खिलाफी की जा रही। विधानसभा में मुद्दा उठाया गया अतिथि शिक्षकों के नियमितकरण का, ठीक है फ्रेंड्स, और बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ विधानसभा से लाइव क्या कह रहे हैं कांतिलाल भूरिया जी और विधानसभा अध्यक्ष। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से नई अपडेट पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सम्मानीय सदन, कल राज्यपाल जी का मैंने भाषण सुना, आज रामेश्वर शर्मा जी ने भी चीजें बताई। बात यह है कि इन दोनों भाषणों में एक चीज साफ थी, रोजगार का मुद्दा गायब था। जो रोजगार आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, इस प्रदेश का हर युवा एक ही चीज पुकारता है, रोजगार रोजगार रोजगार। और उनकी पीड़ा मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, बेरोजगार हैं साहब, इन्हें रोजगार चाहिए। भ्रष्टाचार में लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई खूब मजे से खा रहे हैं। नौकरी पाने के लिए यहां जुगाड़ चाहिए, बेरोजगार है साहब, इन्हें रोजगार चाहिए। टैलेंट की कोई कमी नहीं मध्य प्रदेश की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे, भरोसा करो इन लड़कों पर। कैसे मिले नौकरी जब नौकरी ही बिकी जा रही है, नौकरी की प्रक्रिया में अब तो सुधार चाहिए, बेरोजगार है साहब, इन्हें रोजगार चाहिए। साहब मैं सभी यहां पर उपस्थित विधायकों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि रोजगार का महत्व आज सबसे ज्यादा हो गया है। मैं खुद कॉम्पिटेटिव प्रतियोगिता परीक्षा से निकलकर डॉक्टर बना, सर्जन बना, और उस प्रतियोगिता परीक्षा की मैं पीड़ा समझता हूं कि जब तीन तीन चार चार साल आपकी परीक्षा नहीं आती, परीक्षा आती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है। और यह सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में जब भी बच्चा कोई परीक्षा देता है तो वो बच्चा परीक्षा नहीं दे रहा होता सर, पूरा परिवार परीक्षा दे रहा होता है और परिवार को डर लगा रहता है कहीं बच्चे के मानसिक संतुलन ना बिगड़ जाए और बच्चा आत्महत्या ना कर ले। यह हकीकत है। और यही सी स्थिति दो दिन पहले इंदौर के एक बालक ने एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहा था उसने आत्महत्या कर ली। उसके आत्महत्या करने से शायद कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा पर यह सिस्टम के मुंह पर जबरदस्त तमाचा है क्योंकि आज अगर हम अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं सभापति जी के सामने रखूंगा, आज मेरा एक तारांकित प्रश्न था कि कितनी भर्तियां हुई, उनकी कब विज्ञप्ति निकली और विज्ञप्ति निकली तो उसका क्या हुआ, और अगर विज्ञप्ति निरस्त हुई तो उन बच्चों को वह पैसे वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा सभापति जी, उस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं दिया गया। क्या यह विधायक के प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है कि प्रश्न पूछे जाने पर उसका उत्तर नहीं दिया जाए? मैं एक और बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री बहुत वादे करते हैं और जिस तरह के वादे अतिथि शिक्षकों के साथ किए गए, अतिथि विद्वानों के साथ किए गए, आशा कार्यकर्ताओं आंगनवाड़ियों के साथ करेंगे, सबको छल लिया गया है। और आज बेरोजगारी पलायन का सबसे बड़ा कारण है। मैं एक आदिवासी हूं, आदिवासी अंचल से आता हूं, हमारे पूरे लोग गुजरात जाते हैं नौकरी करने के लिए, क्या कारण है? उनका रोजगार झाबुआ में नहीं मिल पाता, आदिवासी अंचल में नहीं मिल पाता, उनको बाहर पलायन करना पड़ता है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। क्या कारण है? मध्य प्रदेश में एसटीएससी बैकलॉग के 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। क्या कारण है कि आदिवासियों के लिए जो पैसा आता है, जो उनके अधिकार का पैसा है, ट्रैवल सरप्लस का पैसा है, उसका 207 करोड़ रुपए दूसरे विभाग में दे दिया जाता है। यह शर्म की बात है सभापति जी। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 करने जा रहे हैं। 5 लाख लड्डू की तो बात बता रहे हो पर 5 लाख रोजगार कब दो ये भी बताओगे हमको?
और 5 लाख रोजगार जिनको मिलना था आपने उनको हटा दिया। आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपको सेवानिवृत्त 5 लाख लोग हो रहे हैं तो 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाता, 5 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन मिल जाता। और सबसे बड़ी बात है, जो जिन लोगों को आपने 62 से 65 साल का रिटायरमेंट एज करी है वो भी नौकरी नहीं करना चाहते, उनको जबरदस्ती नौकरी करवाई जा रही है। मैं एक बात आप सबसे खुलकर कहता हूं कि रोजगार को लेकर बहुत सारी बातें हैं, पर हमको एक परिवार के रूप में इस पर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उन युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, आप कब तक उनको लाठियों से डराओगे, कब तक दंडों से डराओगे, कब तक जेलों में बंद करोगे? अगर एक भगत सिंह बन गया तो सबको तबाह कर देगा, क्योंकि हम लोग भगत सिंह बनना नहीं चाहते हैं, हम लोग वो घात में चीज लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह महात्मा गांधी का देश है और हम जानते हैं कि हमारे अंदर भी भगत सिंह है, हमारे अंदर भी चंद्रशेखर आजाद है, और हम लड़ने से पीछे नहीं हटने वाले। हम लोग महात्मा गांधी के लोग हैं, हम गोरखे के लोग नहीं है, जो माफी मांग ले। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में युवाओं की क्या स्थिति है। पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की एक ही कहानी है, दर दर भटक कर युवा झोंक रहे अपनी जवानी है, अपनी जवानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक इस समय अपने आप को ठगे छले और अपने आप को शोषित पीड़ित महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 15 से 16 वर्षों तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का वैसे भी हाल बुरा है, बहुत ही कम मानदेय पर वो स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और काम से अलग होते होते भी अपने आप को असुरक्षित मानते आ रहे हैं। बावजूद इसके 15-16 साल तक बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही, अब तक कोई भी फायदा अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल पाया है। एक जानकारी में आपके सबके यह बात होगी भी कि सितंबर 2023 में शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा महापंचायत बुलाकर की भी घोषणा की गई, जिसमें गुरुजियों की तर्ज पर अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने की बात कही गई थी, पेमेंट दोगुना करने की बात कही गई थी, साथ में वर्तमान में जो काम से अलग होते जा रहे हैं उन पर रोक लगाने की बात कही गई थी, कुल मिलाकर के उनकी नौकरी सुरक्षित करने की बात की गई थी, परंतु आज तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण अतिथि शिक्षकों पर मार पर मार पड़ती जा रही है। सरकार फिर से बन गई बावजूद इसके।